इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अडानी विल्मार लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अडानी विल्मार लिमिटेड कंपनी का IPO भी कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट प्राइस पर होती भी नजर आई थी। आपको बता दें कि इस IPO का इशू प्राइस करीब 230 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 230 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 226 रुपए पर देखने को मिली थी। यानी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें जबरदस्त और तूफानी तेजी देखने को मिली। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यह डेली चार्ट है, यहां पर कहीं इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के तुरंत बाद इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया था और यह अपर सर्किट लगातार 3 दिन तक लगता हुआ नजर आया था और इसने करीब 420 रुपए के आसपास का यहां पर हाई बनाया था। उसके बाद देखिए, लोगों को लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यहां पर आप देखें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर से निचले स्तरों से खरीदारी आई और ये साइडवेज की तरह काम करता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए, अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं सभी में बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा था और ये शेयर भी पीछे नहीं रहा। आप देख सकते हैं, जबरदस्त निचले स्तरों से बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली। जैसे ही ये 420 रुपए का लेवल टूटा, यहां पर आप देख सकते हैं बढ़िया तेजी देखने को मिली और इसने यहां पर आप देखें करीब 840 रुपए के आसपास का हाई यहां पर बना दिया। यानी कि 230 रुपए का शेयर 1.5-2 महीने के अंदर ही आप देख सकते हैं करीब 840 रुपए के आसपास का होता हुआ नजर आया। निवेशकों को 3 गुना से ज्यादा यहां पर रिटर्न मिलता हुआ नजर आया। अब देखिए, जब यह शेयर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट में जिस तरीके से जो है गिरावट देखने को मिली है, इस पर भी असर देखने को मिला और आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों से इसमें जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली और देखिए ऊपरी स्तरों से यह काफी ज्यादा नीचे आया और यहां पर आप देखें, यहां पर इसने सपोर्ट बनाया था एक, जहां पर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट जब ये ऊपर जा रहा था तब भी इसने क्रिएट किया था और उसी सपोर्ट से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, कुछ दिनों से मार्केट में एक बार देखिए पिछले सेशन में देखा जाए तो मार्केट बढ़ा जरूर था, लेकिन उसके पहले 2-3 दिन बढ़िया गिरावट भी हुई थी। उस गिरावट में भी आप देख सकते हैं शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली और देखिए पिछले सेशन में देखा जाए तो इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया था। तो देखिए, इसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि अब इसमें एक बार फिर से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। निचला स्तर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब ये गिरा था करीब 530-540 रुपये के आसपास तक ये आया था, उसके बाद इसमें मुझे लगता है कि बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिसके पास शेयर है निश्चित रूप से आपको रखने चाहिए। देखिए, मैंने आपको जब ये नीचे भी था, यहां पर साइडवेज भी था, तो मैंने कहा था अडानी के नाम से ही शेयर चलता है और अडानी कंपनी का अगर शेयर आपके पास इतने कम दामों में रखा हुआ है तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस ड्यूरेशन में शेयर्स को बेचा है, तो मुझे लगता है कि गलती की है, आपको इस शेयर को रखना चाहिए था। क्योंकि मैंने आपको बोला भी था जब ये शेयर 200-400 रुपए के आसपास चल रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि ये जल्दी ही डबल के आसपास जाता हुआ नजर आएगा और डबल हो भी गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इसका जो टारगेट है, देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट तो आपको पता है कि ये ऊपर जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर 840 का जो लेवल हाई इसने बनाया था उसका ब्रेकआउट होने के बाद इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साल के अंत तक हो सकता है ये 1000 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ नजर आए। तो आपके पास अगर शेयर है तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको बना रखे रहें, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा ही लगता है। और अगर नई खरीदारी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप अब इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अपर सर्किट लगता है तो आपको शेयर मिलता ही नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट के लिए शायद खुलता है अगर, तो आप इसमें फिर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में देखिए, ये आप देख सकते हैं 230 रुपए का शेयर करंट प्राइस 701 रुपए के आसपास चल रहा है, तो निश्चित रूप से मार्केट का असर इस पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का असर तो देखिए सभी शेयरों पर देखने को मिलता है और इस पर भी वैसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको रखते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का भी मौका है और अगर आपके पास है तो होल्ड करने का भी यहां पर बढ़िया मौका आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक यहां पर देखिए, जो भी आप करेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके ही करें। मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं प्रॉफिट लॉस आपको होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।